सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा शिमला में आयोजित वस्त्र बैंक कार्यक्रम में 19 दिसंबर को शिमला के संजौली बस स्टैंड, बीसीएस पुराना बस स्टैंड, समर हिल चौक और टूटू चौक पर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा वस्त्र एकत्र किए गए। ट्रस्ट द्वारा ये वस्त्र जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं 22 दिसंबर को भी वस्त्र एकत्रीकरण कार्य किया जाएगा। शनिवार को सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला द्वारा शिमला के संजौली बस स्टैंड, बीसीएस पुराना बस स्टैंड, समर हिल चौक और टूटू चौक में वस्त्र बैंक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने 16 दिसंबर को इन्हीं जगहों पर वस्त्र बैंक कार्यक्रम आयोजित किया था। वस्त्र एकत्रीकरण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी लोगों ने साफ सुथरे और साइज टैग लगाकर वस्त्र दान किए। कार्यक्रम में लोगों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर वस्त्र दान कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वस्त्र बैंक कार्यक्रम का उद्देश्य वस्त्र एकत्र कर जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। सुरेंद्र शर्मा ने वस्त्र बैंक कार्यक्रम के दौरान वस्त्र दान करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया और साथ ही अपील की कि अगर कोई इस कार्य में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट की सहायता करना चाहते हैं तो वे आगे आए। ये कार्यक्रम वस्त्र एकत्रीकरण का कार्यक्रम पूरे शिमला में हम 5 स्थानों पर चला रहे हैं। 16 तारीख को भी ये कार्यक्रम था, आज 19 तारीख है, आज भी ये कार्यक्रम है और 22 तारीख को भी हम इस कार्यक्रम को करेंगे और वस्त्र एकत्रित करेंगे। इस वस्त्र एकत्रीकरण का ध्येय सिर्फ एक ही है और वो वादे के साथ है कि जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वस्त्र पहुँचेंगे और उस जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको वस्त्रों की ज़रूरत है हम उस तक ये वस्त्र पहुँचाएँगे और इसके माध्यम से ट्रस्ट के विभिन्न गतिविधियाँ भी चलती रहती हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात है, जिसमें ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम पूरे प्रदेश भर में हम चला रहे हैं। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज के बीच में रहते हैं और समाज को सही दिशा और दशा देने का काम हम अपनी तरफ से करें और एक अच्छे समाज की स्थापना करें, यही ध्येय हमारा है। शिमला की प्रबुद्ध जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर 16 और 19 को हम आपके स्थान पे या आप अगर वस्त्र देना चाहते हैं और आज नहीं पहुंच पाए हैं तो 22 तारीख को भी हमारे 5 काउंटर विभिन्न स्थानों पर लगेंगे। आप हमारे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे काउंटर्स पर भी आकर के हमें वस्त्र दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ही होगा, ट्रस्ट की तरफ से हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे और एक अपील भी कर रहा हूं कि आप अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं इस पुनीत कार्य में तो आप हमारे साथ जुड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।